नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के इस फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के जिला कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ युवा पीढ़ी जय भीम को लेकर और कुछ अपने मांगों को लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और वो कहाँ से कहाँ तक यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। कौन बोलेगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र भारती है। मैं छतरपुर से भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ। किस समस्या को लेकर यहाँ तक? आज हमने जो जिलाधिकारी महोदय को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया, उसमें हमारी मुख्य मांग है कि जो भारत सरकार और मोदी सरकार या यूं कहें कि देश के फेंकू प्रधानमंत्री के द्वारा जो सभी सरकारी संस्थाओं को बेचकर निजीकरण किया जा रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मांग करते हैं कि इन सभी संस्थाओं को, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे LIC हो, रेलवे हो, जो भी संस्थाओं, इनको पुनः बहाल कर सरकारी किया जाए और अन्य प्राइवेट सेक्टरों में SC ST OBC और माइनॉरिटी के व्यक्तियों को आरक्षण लागू किया जाए और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और जो अभी वर्तमान में ये फेंकू प्रधानमंत्री की सरकार, ये मोदी सरकार, BJP सरकार जो एक किसान विरोधी बिल लेके आई है, इसको तत्काल वापस ले। इस बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं। ये हमारा पहला ज्ञापन आपको चेतावनी देने के लिए था। यदि आप नहीं माने तो बहुत जल्दी देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। यदि हम संसद में बहुमत में नहीं है तो हमारे ड्राइवर कांशीराम साहब कह गए कि हम सड़क पर बहुमत है। और जिस दिन हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का आदेश आता है और इस देश की सरकार नहीं मानती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो हम सड़कों पर उतर कर जन आंदोलन करेंगे और वह आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होगा। और आंदोलन में जो भी क्षतिपूर्ति, जो भी हानि होगी, चाहे जान माल की हो या प्रॉपर्टी संपत्ति की हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, BJP सरकार की होगी, भारत सरकार की होगी। और हम चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया। हम मांग करते हैं कि देश के सभी युवाओं को, सभी हमारी बहनों को फ्री शिक्षा दी जाए। क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि जो देश का भविष्य आप उसको फ्री नहीं पढ़ा सकते? जब आप अडानी अंबानी का कर्ज माफ़ कर सकते हैं तो क्या देश के स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों की फीस माफ़ नहीं कर सकते? करना चाहिए, वरना आपको जवाब देना होगा कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। इस कोरोना काल में बहुत बड़ा विश्व घोटाला हो रहा है जो BJP सरकार के जाने के बाद खुलेगा। और हम आपसे मांग करते हैं कि वही सफाई कर्मचारी जो कोरोना काल में आपको बहुत प्यारे लग रहे थे, जिनके ऊपर आप मालाएं डाल रहे थे, जिन्होंने गंदगी साफ की, अपनी जान हथेली पर रख कर काम किया, आप आज उसी सफाई कर्मचारी को लाठी डंडों से पुलिस के द्वारा पिटवा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ उनका गुनाह इतना है कि उन्होंने अपनी अस्थायी नौकरी के लिए स्थायी नौकरी की मांग की है? क्या उनका गुनाह इतना है कि उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की है? आपको ये करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, जब आप देश के इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ़ कर सकते हैं तो क्या अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नहीं कर सकते? क्या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि किसानों के लिए आप हर महीने एक ऐसी स्कीम बनाएं कि किसानों को हर महीने मुआवजा के रूप में राहत राशि दी जाए और वो राशि 1,000-2,000 रुपये की ना हो? भाई, 1,000-2,000 रुपये में किसानों का भला होने वाला नहीं है कि 6 महीने में आपने 2,000 रुपये दे दिए, किसानों का भला हो गया। अरे, दो हज़ार रुपये से ज़्यादा तो उसका बिजली का बिल आ जाता है, और इसके बाद 2,000 रुपये का तो यदि वो डीजल पंप चलाएगा तो उसका तेल बढ़ जाएगा। अरे, जब आप अडानी अंबानियों का करोड़ों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं तो भाई क्यों नहीं कर सकते देश के किसान का कर्जा माफ़? क्यों नहीं दे सकते हैं देश के किसान को? और ये प्राइवेटीकरण करने की क्या ज़रूरत थी? क्या दे इस मोदी सरकार के पास, भारत सरकार के पास कहाँ गया है ये सारा पैसा? प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम काला धन लेके आएंगे। अरे भाई, कहाँ गया तुम्हारा काला धन? प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार, प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे, आपने तो सारी युवाओं को बेरोजगार कर दिया, अब नौकरियां कहां से देखते? मुझे तो ये लगता है कि भाई ये फेंकू प्रधानमंत्री, ये चोर प्रधानमंत्री बहुत जल्दी देश को बेच के इस देश से कहीं बाहर न चला जाए, मुझे तो डर है। तो हम भैया आगाज करते हैं और पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि ये सरकार नहीं मानती है तो बहुत जल्द आंदोलन होगा और आने वाले समय में सरकार को भी हम लोग बदल के रख देंगे। और सरकार बदलते ही नोट कर लीजिए, जिस दिन भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट बड़े भाई
चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया, जिस दिन वो सत्ता में आते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारे चोर, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये ठिंगे हो, कोई भी हो, ये सारे जेल में जाएंगे, इस बात का हम आपको भरोसा देते हैं। और इन पर कड़ी कार्रवाई होगी और देश के सभी युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी और जो स्थायी कर्मचारी हो, चाहे किसी भी विभाग के हो, सबको स्थायी किया जाएगा, सबकी सैलरी और तनख्वाही बढ़ाई जाएगी, चाहे वो सफाई कर्मी हो। और जितने युवा जो बेरोजगार होते, क्या नाम है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने युवा हर साल इतने इंजीनियर कर रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, लेकिन उनको आज तक कभी रोजगार मिला ही नहीं है। सिर्फ उनको जब सरकार आती है, जब सरकार वोट मांगने आती है, सिर्फ उनको दिलासा दिया जाता है कि आप मुझे वोट दो और जब आप मेरी सरकार आएगी तो जितने बेरोजगार है, जितने बेरोजगार युवा हैं, उनको मैं नौकरी दूंगा। लेकिन नौकरी के नाम पे तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे ही सरकार उनका प्रशासन आ गया तो नौकरी का तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवा हैं, जो घूम रहे हैं बिना पढ़े लिखे लोग, क्या करें वो? उनके पास कोई इतना मतलब पैसे वाला नहीं है कि खुद का बिजनेस अपना डाल सके। और बड़ी बड़ी जो भी कंपनियाँ हैं, जैसे कि आज राम मंदिर को LNT को मिला है उसका पूरा, अगर हम यही अपने भारत देश के मतलब किसी नागरिक को, किसी ठेकेदार को दें, तो उसमें हम अपने देश के नागरिक को उसमें रोजगार दिला सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक विदेशी कंपनी को दिया है, LNT कंपनी को। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में आए हैं, भारत देश में आए हैं, तब तक एक भी कंपनी का निर्माण नहीं हुआ है जिससे हमारे युवा उस कंपनी में काम कर सकें, उन्हें एक रोज़गार मिल सके, ठीक है। और मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहता हूँ कि दुनिया को बहकावे में की बातें बंद कीजिए कि हर एक मुद्दा बीच में मुद्दा छेड़ देते हैं कि आज आप इन हिंदुस्तान पाकिस्तान इन दोनों की लड़ाई को बंद कीजिए। और मुझे युवा को सिर्फ नौकरी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, उसे रोज़गार चाहिए। अगर आप रोज़गार दे पा रहे हो तो मुझे सिर्फ रोज और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोजगार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये युवा है, ये युवा क्या करेगा, पढ़ लिख कर क्या करेगा? सिर्फ पढ़ता है और घर बैठते जा रहा है, उसके पास इतना बैकअप नहीं है कि वो अपना खुद का बिजनेस, अपना ऑन बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो प्रधानमंत्री से यही प्रार्थना है कि इन युवाओं को रोजगार चाहिए। जो उनने वादे अपने चुनाव के इलेक्शन के पहले किए थे, उन वादों पे आज तक वो कभी खड़े नहीं उतरे। तो मैं चाहता हूँ कि जो उनने वादा किया था, वो वादों पे उनको निभाएं। धन्यवाद। और मैं देश को एक सच्चाई और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के बच्चे UPSC का टेस्ट देने की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सरकार ने प्राइवेट तरीके से 9 IS ऑफिसरों की नियुक्ति कर दी है और भारत सरकार मंत्रालय में उन्हें नीतिगत फैसले दिए जाने की जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि जिस व्यक्ति ने UPSC की परीक्षा पास ना की हो, जिसे अनुभव ही ना हो, क्या वो हमारे लिए नीतिगत फैसले लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। ये सरकार बिल्कुल सरासर गलत कर रही है। सरकार नौकरियों के फॉर्म तो देश के युवाओं से डरवा लेती है। उस फॉर्म में जो खर्चा आता है वो करोड़ों अरबों रुपए कहाँ जाता है? सरकार अपना घर भर लेती है और उसके बाद फिर ना तो बच्चों के पेपर होते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आता। ये बहुत गलत बात है। हम सरकार से मांग करते हैं, केवल वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, नियुक्तियाँ नहीं की जाती। सरकार से मांग है कि देश के प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में, जिसको जो परिवार ID में जो मुखिया हो, यदि उसके घर में एक चाहे बेटी हो या लड़का हो, वो स्वयं पढ़ा लिखा हो, तो हम मांग करते हैं कि सरकार उनको नौकरी देने का काम करे, सरकार उनको रोजगार देने का काम करे। ये हमारी मांग है और मुख्य मांग थी, वो मैंने पहले आपको बता दिए। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय चंद्रशेखर, जय भीम, जय भीम, जय भीम आर्मी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर, जब आपने आवेदन दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दे रहे हैं आज दिया है, वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और हमारी मांगों में पूरा सपोर्ट करेंगे और हमारी मांगें मानी जाएंगी और हमारी जो मांगें उचित हैं उनको माना जाएगा और राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जाएंगी और हमारी मांगें मानी जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ से लेकर, जिला से लेकर संसद भवन तक पूरा घेराव करेंगे। हमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें पूरा वो दिया है, हमें अधिकार दिया है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। संसद के अंदर नहीं तो हम सड़कों पर जरूर लड़ सकते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ऐसे हो जाए यार, रिटर्न रोड पे ऐसे यार, नीचे यार, नीचे यार रोड।
कर ये जय भीम युवा यहाँ पर अपने रोजगार के लिए मैदान खेल चौराहे से यहाँ तक आए हैं और इन्होंने यहाँ पर कलेक्टर सर को आवेदन दिया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपका आवेदन मुख्यमंत्री के तक पहुँचाया जाएगा, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे, जिसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। तो देखते रहिए हमारा फेसबुक लाइव, हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे। अगर हमारा लाइव आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।